नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड नंबर 7 से भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर ने मौली जागरा चरण सिंह कॉलोनी और विकास नगर के निवासियों से मुलाकात की और इस बात का भरोसा दिलाया कि वह क्षेत्र के विकास हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। वार्ड में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए उन्होंने पार्टी के साथ साथ अनिल दुबे के सहयोग के लिए भी उन्हें धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने स्कूल, ट्यूबवेल, सड़कों, टाइल्स और पार्क आदि की दिशा में अच्छा काम किया है, बाकी बचे हुए काम भी अब मिलजुल कर पूरे कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एरिया में अस्पताल बनाने और एक खेल परिसर बनाने के लिए भी प्रयास करेंगे। रिस्पांस जी बहुत अच्छा मिल रहा है, हम घर घर जा रहे हैं, रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है और सबका यही कहना है कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए और सबका आशीर्वाद हमारे साथ। ठीक है, अभी जो मैनिफेस्टो कुछ चेंज किया है आपने या पहले की मुद्दे चल रहे हैं आपके, कुछ नए मुद्दे आपके अभी उठे हो जो कुछ सरकार से डिमांड आपकी की कुछ अलग आपने कुछ करना हो, कुछ हॉस्पिटल, कुछ कम्युनिटी सेंटर करना तो अलग तो करना चाहते हैं, मतलब जो भी लोगों को यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए तो वो तो हम जरूर करेंगे उसका प्रयास कि हो। वैसे तो हमारे बड़े भाई अनिल कुमार दुबे जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है विकास के लिए अपने वार्ड के अंदर, फिर भी अगर कुछ रह गया है या कुछ और भी चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है कि ये बनना चाहिए, हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया था कि 50 बेडों का हॉस्पिटल एक होना चाहिए यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर, जैसे यहाँ डिस्पेंसरी है और रात बिरात किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए या कोई डिलीवरी केस हो तो पहले मनी माजरा लेके जाएँ या किसी और हॉस्पिटलों में जाएँ तो टाइम लग जाता है। तो यही रहेगा प्रयास कि यहाँ पर एक 50 बेडों का हॉस्पिटल बनाया जाए, यहाँ पर बस स्टॉप बनाया जाए और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे हो रहे लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, है ना, और एक हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे मालकाना हक हो, जो लोगों का मालकाना हक उनको मिल पाए, तो इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे जी। खबर नवा हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से सुधीर वर्मा की रिपोर्ट।